स्टूडेंट्स दिस इज शिवानी सुमित्राना वेलकम टू माय चैनल एसएसआर नर्सिंग क्लासेस सो जो मैं आज वीडियो लेके आई हूँ वो कमेंट्स में काफी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो इसलिए आज मैं वीडियो लेके आई एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी फुल डिटेल किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है या फिर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए किस तरीके से आपको अप्लाई uh, करना है चाहे तो वो एम्स हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को लाइक like कर दीजिए सब्सक्राइब करिए अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो डालती हूँ वो आपको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को इमीडिएटली देख पाए और आप अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं ठीक है नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं उन सबको ये वीडियो को शेयर करें तो हम ये देख लें कि जो भी मतलब बहुत सारे बच्चों का ये है कि मैं नर्सिंग के लिए अप्लाई करूं लेकिन अगर मैं एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाऊं एंट्रेंस के लिए क्या पढूं तो मैं उसके लिए ये वीडियो बनाया मैंने कि अगर आप ट्वेल्थ अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप इजिली एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर आता है वो मोस्टली क्या है कि आपके बोर्ड जो ट्वेल्थ का आप एग्जाम देते हैं उस ही बेस पे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम ये देख लें वट आर द सब्जेक्ट्स आर देयर फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट वन इज बायोलॉजी जो आप ट्वेल्थ में पढ़ के आए होंगे बायोलॉजी से क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछे जाते हैं नेक्स्ट इज फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री इसके अलावा आपसे इंग्लिश लैंग्वेज ओके हो सकता है आपका इंग्लिश में इंटरव्यू हो सकता है या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से चीजें हो सकती है तो आपको इंग्लिश लेवल पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि हो सकता है आपका प्रोनाशिएशन आपका लैंग्वेज चेक किया जाए उसका टेस्ट हो या हो सकता है कि आपका ग्रामर का भी आपका टेस्ट या फिर एग्जाम या फिर क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे और ये सारा कुछ आपका ट्वेल्थ बेस ही होता है नेक्स्ट इज जीके आपसे जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मतलब अगर जो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री है वो ज्यादा मार्क्स का आता है ये जो इंग्लिश और जो जीके है वो ज्यादा मार्क्स के नहीं आता है कंपेरिजन टू दीज आर सब दीज सब्जेक्ट्स ठीक है तो जो जीके में आप फुल फॉर्म्स पढ़ के जाए जो भी मेडिकल रिलेटेड फुल फॉर्म्स है या करंट जो भी डिसीज कंडीशन है मीन्स लाइक कोविड इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ के जाए बाकी जो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री है मैं उनके आपको टॉपिक्स क्लियर कर देती हूँ कि मेनली किस तरीके से आप पढ़ें या अपने ट्वेल्थ की बुक में से आप क्या टॉपिक खोलें तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा फर्स्ट इज बायोलॉजी तो बायोलॉजी में सबसे पहली चीज आप पढ़ें लिविंग एंड नॉन लिविंग जो आपके ट्वेल्थ में होगा आप अच्छे से पढ़ के जाए उनसे काफी सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे ट्वेल्थ में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए और उसके फंक्शन नेक्स्ट इज प्लांट फिजियोलॉजी नेक्स्ट एनिमल फिजियोलॉजी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी बहुत ज्यादा पूछा जाता है इनके एमसीक्यूज काफी पूछे जाते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल फिर लास्ट इज ऑरिजिन एंड एवल्यूशन ऑफ लाइफ दीज आर सम विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके इजिली आप उनको क्या कर सकते हैं क्लियर कर सकते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास में फिजिक्स ठीक है फिजिक्स में हम देखेंगे कि क्या सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए जो आपको पढ़ के जाने चाहिए फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट वन इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट हीट ट्रांसफर वेरी इंपॉर्टेंट इज वाइब्रेशन एंड वेव्स, लाइट एंड साउंड लाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट से काफी सारे क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं

ट्वेल्थ के ही बेस का पढ़ के जाए पूरा आप ट्वेल्थ अगर आपका क्लियर है अच्छे से तो आप इजिली क्रैक कर लेंगे केमिस्ट्री केमिस्ट्री इन फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ट्वेल्थ नेक्स्ट इज केमिकल बॉन्डिंग थर्ड वन इज केमिकल रिएक्शंस एंड देन स्टेट ऑफ मैटर्स मिक्सचर्स सोल्यूशन एंड सोलबिलिटी एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड लास्ट वन इज पीरियोडिक टेबल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आप इनमें से सबसे ज्यादा अच्छे से जो चीजें पढ़े वो है सोल्यूशन एंड सोलबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट टेंट एंड पीरियोडिकटेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है आपका चाहे वो प्रोनाउंसिएशन हो या फिर आपका ग्रामर पोर्शन हो क्योंकि उससे भी आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर हम देख लें कि जर्नल नॉलेज आपसे जी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन uh, हो सकते हैं जो कि आपने ऑलरेडी uh, जो आपके प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें पढ़ रखे होंगे या फिर जो करंट सिचुएशंस हैं उनके बारे में क्वेश्चंस या फिर मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं फॉर एग्जांपल फुल फॉर्म ऑफ एम्बीबियस इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं अब ये तो बात हो गई कि, कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर या फिर किस तरीके से आप जो एक एंट्रेंस पेपर है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब नेक्स्ट चीज ये है जो लोगों ने बहुत पूछा कि एम्स का एग्जाम है जो एम्स में कैसे एडमिशन ठीक है उसका एंट्रेंस पेपर कैसा होता है उसको कैसे हम क्रैक कर सकते हैं तो वो मैं आपको पूरा आपको उसका एक जो क्राइटेरिया है वो आपको डिटेल में बताऊंगी उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लें कि एम्स क्या है वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम्स तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तो जो एम्स होता है इसमें सारे आपके मेडिकल कोर्सेस इंक्लूडेड होते हैं उसके लिए उसके जो एग्जाम को क्लियर करने के लिए हम ये जान लें कि एग्जाम किस मोड में होता है क्या टाइम ड्यूरेशन होती है इसकी ठीक है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओके okay, और तो जो एग्जाम नेम होता है हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस तरीके से अप्लाई करें किसी भी फॉर्म को तो जो एम्स के लिए जो एग्जाम होता है उसका नाम होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नर्सिंग। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो एक टाइम ड्यूरेशन होती है एग्जाम की वो वन ट्वेंटी होती है फिर मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होता है ये एग्जाम। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो किस तरीके से है उसका क्या क्राइटेरिया है तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए हमने उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी पर्सनल डाटा प्रोवाइड करना होता है मीन्स फॉर एग्जाम्पल योर नेम ई मेल एड्रेस ओके नंबर पासपोर्ट साइज फोटो ठीक है ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी होती है लास्टली आपको उसके लिए फी पे करनी होती है जो कि कैटेगरीज वाइज होती है ठीक है तो आपको आपका पर्सनल डाटा देने के बाद में आपको अगर आप कैटेगरी जनरल में आते हैं मेल हो या फीमेल आपकी जो एप्लीकेशन फीस होती है वो होती है फिफ्टीन हंड्रेड ओके इफ यू आर बिलोंगिंग टू ओबीसी चाहे मेल हो चाहे फीमेल है तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो है वो भी फिफ्टीन हंड्रेड ही है अगर आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं या मेल हो या फीमेल हो तब आपकी जो भी एप्लीकेशन फीस है वो कितनी होगी ट्वेल्व हंड्रेड होगी क्लियर तो है कि अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं सबसे पहले आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना है रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना पर्सनल डाटा उसके बाद आपको फीस पे करनी है जो कि एप्लीकेशन फी है उसके बाद आप क्या करेंगे एडमिट कार्ड को लोड कर लें ठीक है आपका जो एडमिट कार्ड है उसको रिसीव करने के बाद में आप एंट्रेंस के लिए बैठे फिर एग्जाम के बाद में आप अपना रिजल्ट चेक कर लें और उसके बाद आप काउंसलिंग करा लें ठीक है उसके बाद हम एक चीज ये भी देखना बहुत जरूरी है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके मार्किंग किस तरीके से होती है किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर हम बात करें फिजिक्स की तो 30 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिजिक्स से पूछे जाते हैं फिर 30 ही मार्क्स के केमिस्ट्री और 30 मार्क्स के ही बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाकी बात आती है जीके की तो ओनली टेन मार्क्स का ही जो जीके के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम पेपर में आपको मिलेंगे टोटल मार्किंग होती है हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड ही आपको स्कोरिंग करनी होती है उसके अलावा कई और एग्जाम्स भी हैं जो आप लिख सकते हैं या फिर आप उसको दे सकते हैं फॉर बी एस सी नर्सिंग समर एग्जाम्स आर फर्स्ट इज ए एफ एम सी बी एस सी नर्सिंग एग्जाम तो जो ए एफ एम सी बीएससी नर्सिंग एग्जाम है उसका फुल फॉर्म क्या है ये होती है मिलिट्री वालों के लिए यानी कि जो इसका फुल फॉर्म है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज ठीक है नेक्स्ट वन पैरा पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट ये जो एग्जाम होता है वो पैरामेडिकल और नर्सिंग वालों के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अलावा है बी एच यू बी एस सी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम तो ये भी कुछ अनदर ऑप्शन है आपके लिए इनका भी सेम पैटर्न आपका बोर्ड जो ट्वेल्थ uh, बोर्ड का जो एग्जाम होता है या फिर जो आपके क्लासेस लेते हैं उनमें से ही आपको बेसिक रूट है वहीं से ही आपको अच्छे से वही चीजें आपको दोबारा से पढ़ लेनी है जो मैंने टॉपिक्स प्रीवियसली आपको बता दिए वही टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ के अगर जाते हैं तो आप हंड्रेड एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और क्या चीजें अपनी लैंग्वेज को थोड़ा इंप्रूव करके जाए ग्रामर अच्छे से पढ़ के जाए और जो भी ट्वेल्थ बेस की ग्रामर है या फिर अपना प्रोनाशियशन पे थोड़ा ध्यान दें क्योंकि हो सकता है आपका इंटरव्यू इंटरव्यू बेस कुछ कुछ कॉलेजेस में होता है ठीक है जीएनएम के लिए इंटरव्यू होता है मेरिट में भी होता है तो ये बात हो गई बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा था तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया कि आप अगर एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट करके ये बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हम स्टार्ट कहाँ से करें तो मैंने आपको ये एक इनिशिएटिव बता दिया कि आप इन क्वेश्चंस को लेके बैठे अगर आप ये ये टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आप काफी हद तक एग्जाम को सॉल्व कर पाएंगे आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी ओके थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स